नमस्कार, सुरमे टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल जेल की सजा, वहीं तुरंत जमानत भी मिली। संसद में आज फिर जबरदस्त हंगामा, लोकसभा राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित। लगातार 3 मैचों में बिना खाता खोले पहली गेंद पर आउट हुए सूर्य कुमार, शर्मनाक लिस्ट में हुए शामिल। जयराम रमेश की सीबीआई चीफ को चिट्ठी, लिखा अमित शाह से पूछे किस आधार पर संगमा सरकार को बताया भ्रष्ट। उत्तराखंड में शक्तिपीठ पूर्णागिरी धाम में हुआ बड़ा हादसा, कई लोगों को कुचलता हुआ चला गया वाहन, 5 लोगों की मौत, 8 घायल। झारखंड में गिरिडीह के 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR हुई दर्ज, 4 दिन के नवजात को बूटों से कुचलकर मार डालने का आरोप। आज से भारत दौरे पर रहेंगे विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजय बंगा, पीएम मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण से करेंगे मुलाकात। अरबपतियों की संख्या 8% घटी, भारत में 16 नए बने, वहीं अडानी की संपत्ति में 60% की गिरावट। दिल्ली, बिहार समेत राजस्थान और उड़ीसा में भी भाजपा ने बदले प्रदेशाध्यक्ष, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह अहम बदलाव। केरल हाईकोर्ट ने टेलीग्राम को ब्लॉक करने वाली याचिका का किया निस्तारण, अश्लील मैसेज प्रसारित करने का है आरोप। देश प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमे टाइम्स के साथ और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।